अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज मैं बहुत ही अच्छी यूनिक सी बहुत ही बेहतरीन डिश रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। आप 3 आलू लीजिए, इनको 4 कट कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं लेने के बाद एक पॉट में आपने इनको डालना है और पानी डालना है, इसको अच्छा सा कुक कर लेना है। जब ये कुक हो जाए इसके बाद आपको इसको स्टैंड कर लें, जो जितना ही पानी बचा है इसको छान लीजिए। इसके बाद इसी स्टैंडर में पड़े रहने दीजिए और इसको अच्छा सा मैश करके निकालिए, कोई लम्ब्स ना रहे इसके अंदर ना। जब अच्छा सा हो जाएगा, इस तरह करने से ना इसमें लम्ब नहीं रहता ना। करने के बाद आप इसमें नमक डालिए, एक अंडा डालिए, इसको मिक्स कीजिए अच्छा से। मिक्स हो जाए तो इसमें आपने मोज़रेला चीज़ डालनी है 25 ओंस के करीब। फिर इसके बाद आपने कॉर्न स्टार्च डालना है 1 कप और अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना, इतना अच्छा कि एक डो बन जाए, अच्छी सी डो बन जाए। हाथों से कर लें मिक्स इसको ना। इसके बाद आपने एक स्पून या हाथ के वैसे बॉल्स बना लेने, काफ़ी सारे इसके, जिस शेप में चाहे आप बना लें। मैंने तो बहरहाल इसको राउंड में बनाए थे, आप इसको इस शेप में बना लीजिए। बनाने के बाद आपने दोबारा से एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने पानी डालना है। पानी डालने के बाद 1 स्पून इसमें ऑयल डालना है ताकि ये हमारे बॉल्स आपस में चिपके नहीं, जो हमने आलू पोटैटोस के बॉल्स जो बनाए आलू के, वो आपस में चिपके नहीं। इसको हमने अच्छे से कुक कर लेना है। कुक करने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे और एक डिश में हमने कॉर्नफ्लोर अच्छा सा डालना है, उसको खूब अच्छा सा रैप कर लेना है तमाम बॉल्स को। उनको रैप करने के बाद आपने इसके ऊपर 4 कट्स मारने और उसको फ्रीज में 15 मिनट के लिए रख दें। 15 मिनट के लिए, देखिए मैं अच्छे से फिलिंग करने के बाद 15 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। इसके बाद आपने एक और पैन लेना है, उसके अंदर ऑयल डालना है, उसको डीप फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई करें, देखिए बेहतरीन सा लुक आपके सामने आ गया है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस बने थे। यकीन करें आप बनाएंगे तो बार बार आपका दिल चाहेगा कि मैं ऐसी रेसिपी बनाऊं और शेयर करूं, बच्चों को खिलाऊं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी बनी थी कि यकीन करें इसमें कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है और ये मज़े सी यम्मी सी बन के तैयार हो गई है। आप अपने बच्चों को डेली खिलाइए, कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है ना, आपका इतना टाइम इसमें वेस्ट होगा। एक खूबसूरत से लुक के साथ अपने बच्चों के आपने लंच में दीजिए, स्कूल जाते हैं या अपने शाम में अगर आप चाय वाय पीते हैं तो आप उसमें इस्तेमाल कीजिए। आपके मेहमान भी खुश, आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को इसी तरीके से अप्रिशिएट करते रहे ताकि मैं आने वाले वक्तों में और अच्छी से अच्छी रेसिपी और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके आगे शेयर करती रहूँ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।